हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं अरविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आर आर्ट क्लास। तो आज हम सब आए हुए क्राफ्ट म्यूजियम। यहां पे तरह तरह का अलग अलग तरीके का घर वगैरह है, ठीक है, हार्ट वगैरह है। तो इसे बनाने में काफ़ी मज़ा आएगा और हम लोग कोशिश करेंगे इसे डिटेल से समझने के लिए, ठीक है, उसको साइंस की तरह समझने की कोशिश करेंगे कि मतलब उसमें डेप्थ क्या है ना। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये ना कोशिश तो अच्छा किया है, ठीक है, फिर भी और अच्छा बनना चाहिए ना। ये कैसे बनेगा ना और अच्छे से। चलिए एक बार लास्ट बताते हैं, लास्ट बार, ठीक है, ठीक है। आ जाओ, कौन सा बनाना चाहिए, इधर वाला बता रहे या वो वाला? सर ऊपर वाला। ऊपर वाला सर, ये देखना क्या कहाँ पे बनाए, ठीक है, सही सही, हाँ सही है। लेकिन यहाँ पे ये ना थोड़ा सा और अच्छा होता ना, है ना, तो मेहनत से ना बच रहा है यहाँ पे ना। अब वो चीज़ दिखता ना तो और मेहनत पता यहाँ पे और मस्त लगता। चलो इसको बता ही देते ना, ठीक है, क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें पिक्चर खींचे क्या, ये बनाना है ना हमें, ये मुझे देखा था ना। ये हमें सीखने का ये ऊपर वाला ना पार्ट ना, है ना, कहाँ बताए पेपर, ठीक है, ये वाला चेंज कर लो उस वाला ही। किसके पास अच्छा पेपर है देना, किसी के पास है अभी तो इंडिया उस वाला, इंडिया उस वाला मेरे पास है। कौन सा है? ये उल्टा साइड अपन कर दीजिए, ठीक है। हाँ तो कहाँ पे आ रहा है, देखना मेरा हाथ दिखा रहा है। हाँ सर, दिख रहा है, दोनों दिख रहा है क्या? नहीं, नहीं सर, दोनों तो नहीं आ रहा। हाँ तो झोपड़े के ऊपर वाला पार्ट से बना रहे हैं, ठीक है, तो उस झोपड़े में क्या देख रहे हैं सबसे पहले? ऊपर बनाओ, ऊपर बनाए, अब आएगा, अब ठीक है, अब दोनों आएगा, दोनों आएगा ना, ऐसे देख लेंगे यहाँ पे ऐसे ना, ठीक है, एक मार्क कर लेते, ठीक है। अब ये ना यहाँ पे सीधा के बदले हम लोग थोड़ा सा अंदर झुका के फिर वापस उठा दे रहे हैं ना, ठीक है, उसमें थोड़ा कम है लेकिन हम ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है ना, कि हमारा चीज़ देखने में अच्छी लगनी चाहिए बस, है ना। जैसे मान लो कि हम लोग खाना बनाते हैं तो थोड़ा मसाला ज़्यादा डालते हैं ना, खाने में स्वाद बढ़ जाए, स्वाद बढ़ जाए ना, वैसे ही हमारे काम में भी स्वाद बढ़ जाना चाहिए ना। ये यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, यहाँ तिनका से गिरा ना, तो आप लोग क्या कर रहे थे पता है, तिनके को ना अलग से बना रहे थे, तो इससे करेक्ट नहीं लगा था तिनका, इससे करेक्ट लगना चाहिए तिनका, ऐसे इससे करेक्ट लगना चाहिए ना, है ना, ऐसे ना, है ना, कैसे ना, कुछ जैसे यहाँ पे ऐसे गिरा, ठीक है, कुछ दिन का ऐसे सीधा जा रहा है ना, हाँ सर, है ना, ये चीज़ है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो कुछ कुछ ऐसे से जा रहा है ना, कुछ ऊपर से चल रही ना, तो क्या होगा कि ये इसके साथ कनेक्ट लगेगा ना, है ना, बना तो रहे हैं लेकिन कनेक्ट नहीं हो रहा, जैसे यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे ऐसे घूम गया देखने के, है ना, यहाँ पे जैसे बहुत सारा यहाँ देखने ऐसे तिनका ऐसे घूम गया ना, है ना, मतलब तिनका का एक प्रॉपर तरीका नहीं होता कि ऐसे ही रहेगा ना, किसी साइड घूम सकता ना, और ज़्यादा घूम जाएगा मतलब समझ जाएगा कि वो तिनका वहाँ से टूट चुका है ना, और जैसे कि मान लो कोई तिनका लंबा है तो क्या वजन की वजह से क्या होगा, वो ऐसे झुक जाएगा ना, हाँ। है ना, है ना, तो इसके पीछे की कहानी ना, कहानी अगर हमें समझ में आ जाए तो बनाना आसान, हाँ बनाना आसान है ना, तो कहानी हमें पकड़ना आना चाहिए ना। एक आर्टिस्ट वही सच्चा आर्टिस्ट बनता है ना जो कि साइंटिस्ट की तरह सोचे, ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि बस वहाँ जो दिख रहा है वही बनाएंगे, उसके पीछे के रीजन हम लोग ढूंढते पहले, ठीक है, है ना। अब देखो यहाँ पे ये इधर और इधर जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसको जोड़ने के चक्कर में देखो कैसे यहाँ पे ये फैल रहा है, ये वाला चीज, है ना, यहाँ पे फैल रहा ना, और इधर इधर पतला पतला जम जा रहा, नहीं देखने से ये पतला पतला जम जा रहा है ना, यहाँ पे गैप बढ़ जा रहा है ना मुड़ने की वजह से, तब मुड़ पा रहा ना, है ना, हमारे हाथ में जैसे होता होगा क्या, हाँ सर ऐसे कुछ होता होगा ना, हाँ है ना। चलो इसके बारे में कभी बाद में बताएंगे, ठीक है, ये भी मजेदार टॉपिक है ना, हाँ जब मसल स्टडी, हाँ, करेंगे, मसल स्टडी करेंगे तब, ठीक है, है ना, तो इसके लिए ज्यादा ज्यादा लोग सब्सक्राइब कर लेना जल्दी से, हाँ, कमेंट करके बताना मसल, हाँ, स्टडी देखना है, हाँ, अब यहाँ पे देखो कुछ चीजें से लटक रहा है ना, जैसे अवतार मूवी में वो पत्थर क्या बोलते हैं, क्या कुछ पत्थर आसमान में लटका हुआ था ना, हाँ। वैसे देखो यहाँ कुछ ऐसे लटका हुआ है, देखना
है ना, ऐसे ना। अब इसको अलग अलग से देखना, हम लोग इसको बनाएंगे और बाद में इसको यहाँ पर वाइट वाइट छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, और बाकी चीज़ों को डार्क करके अलग करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ऐसे 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 निकल रहा है ना, है ना, कुछ चीज़ें यहाँ पे ना देखना ऐसे, तो वो जेन्युइन से लगेगा ना देखने में, है ना, यहाँ पे ऐसे ना। ऐसे ना, है ना, यहाँ पे कुछ देखो, यहाँ पे ऐसा आया तो ये ऐसे देख लीजिए, है ना। अब यहाँ पे इसके बगल में यहाँ पे लाइन खींच करके, मतलब कि हमें यहाँ पे पूरा अच्छे ध्यान से बनाना ही पड़ेगा, तब मजा आएगा ना, नहीं तो फिर तब अच्छा मजा नहीं आएगा ना, इतना अच्छा सा सीन छूट जाएगा, छूट जाएगा। और ये जब हम लोग सीख लेंगे तो फिर इसमें वाटर कलर करने में अलग ही मजा आएगा, ठीक है, है ना। फिर हम लोग ने लगा क्या है, हम झोपड़ी बना रहे हैं ना, झोपड़ी में बहुत कुछ होता है, ठीक है, जब उसके डिटेल में अगर घुसे तो फिर काफ़ी कुछ है, नहीं घुसेगे तो सिंपल से ऐसे झोपड़ी झोपड़ी बना कर देंगे ना, देखना ऐसे ना, ऐसे भी तो झोपड़ी बन रहा है ना, ठीक है। और उसमें इसमें अंतर होगा ना बहुत, जब हम लोग समझ के बनाएंगे तो अंतर होगा, नहीं तो फिर तो हाँ। यहाँ पर देखो कैसे कैसे जा रहे थे, देखना ऐसे से, है ना, देखो यहाँ पे ऐसे से निकालेंगे ना, इसके बगल से ऐसे निकाल सकते, देखना है ना, यहाँ पे ऐसे से देखना, ऐसे है ना। बात है ना कि इसको अच्छे से बांधा गया होगा, लेकिन टाइम टू टाइम ये ना करते करते कुछ कुछ अलग होता गया होगा, और हवा के झोंके की वजह से ये थोड़ा सा बिखर सा गया ना, है ना। लेकिन जब शुरुआत में इसको बनाया गया होगा ना ये झोपड़ी को, पूरा ये सब तो सबको अच्छे से टाइट टाइट बांधा गया होगा ना, कुछ ने चिड़िया लोगों ने इसे खींचा होगा ना, हाँ सर, है ना, कुछ हवा खींचा होगा, ऐसे ऐसे करते करते ये बिखर गया ना, है ना। अब यहाँ पे देखो बांस यहाँ पे बंधा हुआ, देख रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा बाहर निकला हुआ नहीं, देखना है ना, जो हम उस डिजाइन के बारे में बता रहे थे कुछ ऐसा ही हुआ होगा ना, तो लोगों लगा रहे ये तो डिजाइन अच्छा, चलो इसको अपने काम में डालते। अब यहाँ का डिटेल्स करने के लिए ना हमें इस पेंसिल का ना एक चाहिए कि थोड़ा सा शार्प हो, ठीक है, नहीं तो निकल के नहीं आएगा ना, तो इसको शार्प हम लोग ऐसे भी कर सकते, ठीक है, ऐसे करके ऐसे रगड़ेंगे ना, क्या होगा ये इधर शार्प हो जाएगा ना, ऐसे भी शार्प कर सकते, देखना हो गया ना, तब तो जाकर के यहाँ वाला ये पार्ट अच्छा लगेगा ना, देखने में यहाँ कहीं कहीं डेप्थ है ना, देखने से करके, ठीक है, कुछ यहाँ पे बास ऐसे आ रहा है, ठीक है, और लास्ट में देखो ये भी बेचारा ऐसे कैसे झुक गया ना, ऐसे ना, ये ना ऐसे, ठीक है। और इसे हमें दिखलाने अच्छे से इसमें रखा हुआ कैसे दिखलाएंगे, इसे इसके अंदर ये डार्क करेंगे तो दिखेगा ना, है ना, ऐसे करके, ठीक है ना, यहाँ पे से डार्क ना, ये बांस को लगेगा ऊपर रखा हुआ ना, ठीक है, और बांस को और अच्छे से दिखलाना तो क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे हल्का सा शेड डालना पड़ेगा, देखना ऐसे शेड डालेंगे और इधर से शेड डालेंगे क्या लगेगा, अब देखो बांस निकल गया ना, है ना, ठीक है, क्योंकि वो जो बांस है ना वो लाइट कलर का है, अब पीछे का जो पुआल है वो किस कलर का है, थोड़ा ब्राउन कलर का, तो ब्राउन कलर का डार्क है ना, मतलब इसे डार्क है तो क्या डार्क कर दे रहे तो ये निकल के आ जा रहा है ना, ये तो मस्त है ना, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है ना। अब इतना करने के बाद हमें करना क्या है कि इसके अंदर ना शेड डालना है, और प्लस ना यहाँ पे जो लकड़ी है ना वो अलग से चमक रही है, इसको कुछ नहीं छेड़ेंगे ना, ठीक है, इस अगर लाइट है तो इसको और ज्यादा लाइट दिख लाएंगे, ठीक है, कुछ देर तो दूर तक यहाँ तक ऐसे छेड़ देते हैं, ठीक है, इसके बाद इसके नीचे नहीं छेड़ेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे ऐसे, और वीडियो लंबा ना हो इसलिए इसको पहले हम लोग शेडिंग करके ऐसे करके पूरा भर के दिखलाते हैं, ठीक है, ऐसे शेड डालते ना, ठीक है, देखो ऐसे करके ना, ठीक है। अब इस तरह से अगर फिनिशिंग के साथ शेडिंग डालेंगे ना ये तिनका निकल के बाहर आएगा ना, जैसे मान लो ये तिनका यहाँ पे डार्क करेंगे तो क्या होगा, देखना निकल जाए बाहर, है ना, मतलब कि हम लोग कुछ इस तरह का उल्टा काम करके तिनके को निकालने की कोशिश करें, ठीक है, कि तिनका ना हमें मस्त तरीके से निकला हुआ दिखाई देना, ये देखना यहाँ पर देखो ऐसे ना, नहीं ऐसे है ना, देखो ऐसे ना, है ना, सेटिंग का कमाल ना, ठीक है, ऐसे से करके, काफी डीपली नॉलेज है ना ये, ठीक है, एंट्रेंस में इतना नहीं करना आप लोगों को, लेकिन आना चाहिए ना, है ना,
अगर आपको ये चीज करना आएगा तो बाद में कहीं ना कहीं काम आएगा पक्का, पता है है ना। एंट्रेंस में आगे से मतलब थोड़ा कि आपको सीखना नहीं, सीखना चाहिए। अगर एंट्रेंस में आप ये करोगे तो फिर इसी में सारा टाइम निकल जाएगा ना। यहाँ पे ऐसे ना देखो जी ना, यहाँ पे उल्टा पेंसिल चलाएंगे तो ये इसके अंदर जाएगा ना, देख लीजिए है ना। और हमारा लाइन यहाँ पे चल रहा है ना, बाद में मिटा देंगे, ठीक है ठीक है। हाँ हाँ, यहाँ पे कुछ और है क्या? अब देखो यहाँ पे ये कुछ दूर तक वैसे भर दे तो अंदर दस हज़ार दिखाई गया, नहीं देखना है ना, यहाँ पे देखना ऐसे। देखना ये ठीक है। मेहनत अलग काम में मजा है ना, है ना। जैसे कि मेहनत की कमाई पे अच्छा लगता है खाना, अच्छा लगता है ना। मेहनत की कमाई से खाना खाने में अच्छा लगता है। हाँ सर, है ना। ऐसे मेहनत करके बनाएंगे तो ये मजा आएगा देखने में ना। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पे भी कुछ था ना, देखने के है ना, देखने ऐसे करके था ना यहाँ पे तिनके, है ना तिनके ना। ठीक है, अब इसके अंदर देखा जाए तो और भी है ना, देखने यहाँ पे है ना, ऐसे निकल रहे ना बच्चा बच्चा कैसे। हाँ पास था अंदर में ना, और भी डेप्थ है। ठीक है, तो हमें स्टडी के तौर पे करके रखना चाहिए ना, सीख के रखना चाहिए इस चीज को ना, है ना। तो बाद में ऐसा कुछ काम आ जाए तो हमें करने में दिक्कत ना हो, कर सकते हैं ना। देखो है ना, यहाँ पे और ऐसे अगर निकाले तो ना, ठीक है। तो हम लोग इस तरह मेहनत करके कामों को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते, पहुंचा सकते हैं ना। ठीक है, अब ये अंदर वाले को ज्यादा नहीं करते, ठीक है ना, ठीक वीडियो में ऐसे ना। ठीक है, इसी तरह से ना आगे वाले भी करते, ठीक है। यहाँ पे देखना, यहाँ पे भी है ना, कैसे ऊपर नीचे करके ये देखना, ये सीधा है क्या, ज्यादा सीधा करेंगे तो ये ज्यादा चबरा नहीं, चक्कर में हमारा काम बिगड़ जाएगा, बेकार हो जाएगा ना। ठीक है, ऐसे ना। ठीक है, अब इसी तरह से पूरा नीचे तक है, यहाँ पे देखना पूरा डार्क है ना, ये इसको बचा जाके हमें नीचे डार्क करना पड़ेगा, देखना। ठीक है, तो ये यहाँ पे ऐसे जा रहा है ना, देखना। अब ये दीवार यहाँ पे ना है ना, ये ऐसे इसको डार्क करते, देखते कैसे लगता है देखने में ना, ऐसे करे डार्क है ना, इसको पूरा मिलाना पड़ेगा ना। पहले यहाँ पे डार्क कर लेते ना, फिर बाद में ऊपर पिन का निकालेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तीन का निकालना है हमें, देखना यहाँ पे है ना, क्या करना, क्या करना चाहिए हमें यहाँ पे, ऐसे देखना कुछ ऊपर कुछ नीचे ना, इसको लटके कर लेते, ठीक है। देखना ऐसे, देखना ऐसे देखना है ना, अगर हमें समझ में आ गया तो फिर करने में आसानी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं ना, तो ऐसे ना। ठीक है, यहाँ पे वाइट वाइट दिखना चाहिए ना है ना, नीचे डार्क इसलिए हो रहा है क्योंकि लाइट लाइट नहीं पहुंच रहा है ना वहाँ पे, ठीक है ना, ऐसे देना देखिए है ना, जैसे ठीक है ना, कुछ कुछ यहाँ पे लटका हुआ नहीं देखना यहाँ पे, ये इसको जहाँ पे छोड़ना है छोड़ करके ऐसे करेंगे, मतलब कि यहाँ पे तीन का दिखलाना है तो इसके बगल बगल में डार्क करेंगे, जैसे यहाँ पे हम लोग किए थे ना, ठीक है ना। यहाँ पे भी ऐसे 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 भर सकते हैं, देखने जैसे दिख रहा है, you
इसका ग्रेन कैसा है सर? क्या इसका ग्रेन ठीक है? यहाँ पे वैसे बास है, यहाँ पे है ना ठीक है। और बास को इसको अलग करने के वही तरीका है कि बस थोड़ा सा ना ऊपर वाले सेट कर दे, देखने से करके ठीक है। अगर ज़्यादा डिटेल करेंगे ना तो इसकी खूबसूरती खत्म, जैसे नीचे वाले एरिया को हमें कम ही करना पड़ेगा ठीक है, है ना। अगर ज़्यादा कर दिए तो ऊपर वाले का मज़ा ना किरकिरा हो जाएगा, किरकिरा हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बस इसको एहसास करवा रहे हैं और बस छोड़ दे रहे हैं इसको ठीक है, ज़्यादा नहीं करेंगे ठीक है। कि हमें अगर इसमें मज़ा आ रहा है तो क्या दिक्कत है ना। अब देखा जाता है यहाँ पे बहुत सारा डिटेल पर ठीक है, इसको कुछ नहीं कर रहे ना, है ना ऐसे ना ठीक है, है ना। अब देखो इसके पीछे का पेड़ बन जाए कितना मजा आएगा ना, देना से देना से ना, है ना। अब इसको इनका जैसे कि कभी ऊपर से बाहर बाहर निकल जाओ ना, यहाँ पे निकल देगा जैसे कर दे तो ठीक है। इनमें तो जाएगा ना ठीक है, आप ज्यादा नहीं छेड़ते ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 गाइस बाय गाइस।